हेलो बच्चों, आइए आज हम सुनते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज भागने व अपनी चुस्ती पे बेहद घमंड था। इस वजह से वो अपने दोस्त कछुए का हर समय मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन कछुए को नीचा दिखाने के लिए खरगोश को एक चालाकी सूझी। उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, अरे मेरे दोस्त कछुआ, मैं कल से किसी को दौड़ लगाने का मुकाबला करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला करना चाहोगे? कछुआ एक सच्चा दोस्त था, इसलिए कछुए ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त खरगोश, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला जरूर करूंगा। दोनों ने अगले दिन दौड़ लगाने का फैसला किया और अगले ही दिन खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए तय की हुई जगह पर पहुंच गए। दौड़ शुरू हो चुकी थी। खरगोश पहले से ही बेहद तेज व चुस्त था। वो शुरू से ही कछुए के आगे भागने लगा और कछुआ धीरे धीरे आराम से चलने लगा। देखते ही देखते खरगोश इतना आगे निकल गया कि उसे कछुआ दिखना ही बंद हो गया। अरे मेरा आलसी व धीमा कछुआ दोस्त कितना भोला है, अभी तो शायद उसे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ये कहकर खरगोश आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। कछुआ बेचारा धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ता रहा और देखते ही देखते वो खरगोश को पार कर गया और खरगोश सोता रहा। कछुआ दौड़ जीतने ही वाला था कि अचानक खरगोश की आंख खुली और खरगोश फिर से तेज भागने लगा। पर जब तक खरगोश कछुए को पार करता, तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अपने घमंड की वजह से हार चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनती इंसान आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है और घमंडी इंसान का घमंड आज नहीं तो कल टूट ही जाता है।